गणपति गोम गवा महे निधि नंता निधिपति गोम गवा महे ओम गणपति आय नमा हरि ओम मैया लक्ष्मी जी की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्य समं प्रभा निर्विघ्न परम देव सर्व कार्येषु सर्वदा मंत्र मूर्ति विघ्न हरा दुर्ता नाशन कृपा करा एक दंता विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपते नमः। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजा धारी लड्डुअन के भोग लगे करे सेवा तीनन की लाज लाखो शंभु सुत वारी जय गणेश जय गणेश हर हर महादेव। पहले मुझे बताइए आज जो फिल्म का यहाँ पे मुहूर्त किया गया है नाम से बताइए और अपने बारे में जरा बताइए। सबसे पहले तो भोजपुरी दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार। देखिए ये फिल्म है राखी और सिंदूर जी, जो एक फैमिली ड्रामा है। बहुत अच्छी खूबसूरत कहानी है जो दो तीन साल से हम लोग इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं जी, जो आज परमात्मा ने दिया हम लोगों को मुहूर्त करने का जो है सौभाग्य मिला तो आज मुहूर्त है। आपके हीरो साहब से जान लेते हैं सर। सबसे पहले तो ये बताइए आप अपने बारे में ज़रा बताइए आप कहाँ से हो और आप इस फिल्म के साथ कैसे जुड़े हो। जी सर मैं बिहार से गोपालगंज जिला से जी थाना कटिया जिला गोपालगंज बिहार से और रतन जी तो हमारे काफ़ी बहुत करीब हैं जी और सर का ही देन है कि जो हम इसमें जुड़े हैं जी। और सर से हमको पूरा भरोसा है कि कुछ हम लोग नया करेंगे और जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। आप फिल्म के लीड आर्टिस्ट हो आप हीरो हो इससे पहले आपने कोई काम किया है या फिर ये पहली फिल्म है? जी फिल्म पहली है पर कई एल्बम हमारे नेट पे चल रहे हैं। सिंगर हूँ मैं भोजपुरी से और इसमें हमारा भी दो तीन गाने हैं तो एक गाना तो आज आपको सुनाना ही पड़ेगा। अभी सुनाओ सर। जी बिल्कुल सर अभी उसकी रिकॉर्डिंग होगी। कोई भी गाना आपका जो हिट आइटम रहा हो। दिलवा दिलवा से मिलल फूलवा प्यार के खिलल आज अखिया से अखिया चार हो गईल साचो कही हमरा के प्यार हो गईल हो साचो कही हमरा के प्यार हो गईल। सारे गाने ऐसे ऐसे सब गाने हिट हैं हमारी जो रमेश राज मौर्या जी लिखे हैं और सुमन बेगाना जी भी संत लाल जी और बाकी रतन जी तो है हमारे साथ में जी। सर कब तक शुरू हो रही है फिल्म? सर ये अप्रैल में जाएगी पिक्चर जी। जी उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में हम लोग करने का विचार कर रहे हैं और अभी हमारी फिल्म रिलीज होने वाली है कर्मयुग। रितेश पांडे प्रियंका पंडित निशा दुबे जो ट्रेलर काफ़ी माने हिट हुई है पसंद आए सारे लोगों को और बिहार में मार्च या अप्रैल में रिलीज होगी कर्मयुग। सेकंड पिक्चर हमारी मार्च में जा रही है बनारसी पहलवान जी एंड थर्ड पिक्चर ये अभी हम शूट पे तैयारी कर रहे हैं। राखी सिंदूर में स्टार कास्ट क्या है? राखी सिंदूर में मेरा स्टार कास्ट है संतोष बाबा जी जो हीरो हैं हमारे एंड हीरोइन है श्वेता यादव जी एंड क्या उजाला उजाला जी हैं थर्ड हीरोइन एंड गिरीश शर्मा जी हैं और अभी कास्टिंग बाकी है अभी बहुत सारे कास्टिंग करना है। थैंक यू सर। श्वेता जी आप नई फिल्म का मुहूर्त किया गया सबसे पहले तो आप फिल्म नाम से बताइए फिल्म से और आप क्या प्ले कर रही है? इस फिल्म का नाम है राखी और सिंदूर। मैं इसमें लीड रोल प्ले कर रही हूँ और इस मूवी के डायरेक्टर रतन राहा जी हैं जी। जिन्होंने मुझे कास्ट किया है और बस एक्साइटेड हो आप इस फिल्म को लेकर कि भाई बताया जा रहा है रतन जी ने मुझे बताया कि काफ़ी पारिवारिक फिल्म है तो बहुत कुछ एक्सपोज करने के लिए नहीं मिलेगा। अच्छी बात है एक्सपोज करने को नहीं मिलेगा तो मतलब फिर भी आप खुश हो? हाँ। कहानी आपको बताई गई आपको कुछ नयापन लगा होगा शायद तभी आपने फिल्म साइन की होगी? नहीं अभी कहानी नहीं बताई गई है तो अभी कहानी पे डिस्कस करना है। कैसे ये फिल्म आपको ऑफर हुई कि मतलब आपको ये फिल्म रतन जी ने बताया होगा या फिर कैसे बात? एक्चुअली रतन राह जी के साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ तो
मुझे पता चला कि मतलब मैंने कांटेक्ट किया रतन राहा जी को, तो फिर उन्होंने कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने बोला चलो इस पिक्चर में साथ में काम करते हैं। संतोष चौबे साहब हैं जो कि इसमें लीड आर्टिस्ट हैं, जो कि हीरो हैं, उनकी शायद पहली फिल्म है, हालांकि सिंगर रहे हैं, तो आपको आपको इस बारे में बताया गया एक सिंगर के साथ आपको शूट करना है? हाँ, मुझे बताया गया है कि संतोष जी सिंगर हैं, तो अभी उनके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, तो अब काम करने के बाद आपको बताऊंगी कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम कर। थैंक यू। सब आप लोगों का सौभाग्य है। हम पहले तो सब हम दर्शक भाई लोग के प्रणाम करत नहीं, गौर लगत नहीं, सब आप लोगों का आशीर्वाद है। जैसा कि राखी और सिंदूर फिल्म का नाम है, आप राखी बनवाना पसंद करें सिंदूर लगाना है? हम राखी के भी मिटावे की कोशिश करब और सिंदूर के भी, यही हमारे क्रम में परिभाषा बा। ये फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे माननीय डायरेक्टर रतन राहा जी, जिनकी मैं तीसरी फिल्म कर रहा हूँ। मैं एक इकलौता एक्टर हूँ, काफ़ी शुक्रगुजार हूँ उनका कि तीसरी फिल्म वो अभी करने जा रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने काफ़ी फिल्म की हैं, लेकिन हाल में इन्होंने ये तीसरी फिल्म, तीनों फिल्म मैं हूँ, तो मैं उनको सलाम करता हूँ। और इसमें हमारे साथ संतोष जी हीरो हैं, आपको संजय चौहान जी भी हीरो हैं, और नीलेश जी इसके प्रोड्यूसर हैं। तो कुल मिलाकर रतन राहा जी ने एक बहुत अच्छी टीम बनाई है। हमारी हीरोइन है, अब मैं चाहूँगा इनके और भी एक बार श्वेता जी और आप उजाला जी हमारी हीरोइन है, तो हम राखी और सिंदूर को मिटाएंगे तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी, तो आप समझ गए होंगे सब। साफ है कि इस फिल्म में भी विलन ही होंगे। जी हाँ जी हाँ, मैं एक गांव का दबंग आदमी हूँ, मैं राखी के बंधन को भी मिटा रहा हूँ और सिंदूर को भी मिटा रहा हूँ। अंत में जो हस्र होता है तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन वो सिनेमा है, धुलाई होती है और क्या। जी जी जी, अच्छे अच्छे जो काम करते हैं उसके बदले में पिटाई धुलाई होती है। हाँ जी हाँ जी, अच्छे आदमी का भी रोल करना। नहीं, मैंने किया है रतन राहा जी की फिल्म कर्मयुग में, मैंने पॉजिटिव रोल किया है, उन्होंने मेरी एक्टिंग की प्रतिभा को रतन राहा जी ने पहचाना, और कर्मयुग में एक अलग ढंग का कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर को मैंने जिया, यही कारण है कि आज रतन जी ने मुझे इसमें भी उन्होंने लिया है। बनारसी पहलवान उनकी अगली मैं फिल्म बहुत जल्द में, मैं 23 तारीख से नौगर मैं शूट कर रहा हूँ, जिसके जिसमें सब बड़े बड़े एक्टर मेरे साथ हैं, तो मैं रतन जी का शुक्रगुजार हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरी पहली फिल्म नहीं है, मेरा पहला लीड रोल है। मैंने फिल्म में काम किया है, टकराव में काम किया है, और मेरी पहली फिल्म है। और ये बाबा जी हैं संतोष जी जो हीरो हैं, और मेरे अपोजिट संजय जी कास्ट हुए हैं, संजय जी कास्ट हुए हैं, और बहुत प्यारी कहानी है। अच्छा, जब हीरो का नाम ही बाबा हो तो फिर फिल्म आजकल बाबा लोग का बहुत रिस्पांस है, बाबा बहुत रिस्पांस है, क्योंकि बाबा जहाँ भी बोलो बाबा, वहाँ पे बाबा ही बाबा हो जाते हैं। एक्चुअली उनका नाम संतोष जी है, बट उनको प्यार से सबको ही बाबा बाबा बोलता है। जी, एक्साइटेड हो आप इस फिल्म को लेकर? या हम बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत कॉन्फिडेंस से हम लोग काम करेंगे। और मेरे राइटर साहब हैं जी, सुमन जी, जी बहुत अच्छी कहानी उन्होंने हमको सुनाया भी है, और हम लोग साथ में काम भी कर रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड हैं, और बहुत आप लोग का प्यार मिलेगा तो और भी एक्साइटेड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। जी, डॉक्टर सचकांत त्रिपाठी, सुमन बेगाना, मैं इस फिल्म का राइटर हूँ। क्या कहानी लिखी है आपने, जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्या नयापन होगा, कम से कम एक लाइन में स्टोरी बताइए हमें। नहीं सर, स्टोरी तो पिक्चर देखने, थीम बता दीजिए। दो साल से मेहनत हो रही है, दर्शकों को देखने दीजिए सिनेमा हॉल में। क्या हो गया, एक्शन फिल्म हो गई, पारिवारिक फिल्म? नहीं, पारिवारिक और सामाजिक। बड़ी मेहनत से लिखी गई है, बहुत दो साल से मेहनत हो रही है इसको। कहीं से आपने इसके इनपुट्स लिए, मतलब कहीं से आपने कोई कहानी ऐसी देखी या फिर? नहीं नहीं सर, नहीं, सब बहुत अपने दिमाग की उपज है। जी सर, आप बताइए। मेरा मारियन खान है, इस मूवी का मैं डांस मास्टर हूँ। मैं इसमें गाने और रोमांस है, गानों में डांस भी है, बहुत मज़ा आने वाला है दर्शकों को। इस गाने को मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस तरह कोरियोग्राफी करूँ कि जो हमारी पब्लिक है, देखने वाली हमारे जो फ्रेंड है, वो भी डांस करे। आपने किसी मूवी के लिए भोजपुरी में कोरियोग्राफी किया? हाँ, भोजपुरी मैंने दबंग दरोगा किया है, और जींस वाली भोजी किया है, तो ऐसे बहुत सी मूवी जो मैंने किया है। मेरा गाना भी हिट बहुत हुआ था, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और बाकी हमारे जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो किस तरह करते हैं वो रिएक्शन पता चलेगा अभी। थैंक यू। ओके, हो गया। अच्छा, नाम संजय चौहान बा, और दस के लोग नमस्कार बा, और ये पिक्चर का नाम बा
राखी और सिंदूर और एमे पारिवारिक पिक्चर बा, आप लोग जरूर देखब जा और प्यार भरा दुलार दीजिएगा। आप खाली खेसारी की तरह दिखते हो कि गाते भी खेसारी की तरह हो? नहीं, डांस कर लेते हैं, गाते नहीं अभी। अच्छा, आपको लगता है गाना भी चाहिए? लगता है, लेकिन कभी किया नहीं हो, लेकिन करूंगा। मतलब इरादे हैं? इरादे हैं। जब आप लोगों की भीड़ में जाते हो, लोग खेसारी खेसारी कहते होंगे, मजा आता होगा? उनके वजह से तो आज यहाँ पहुँचे हैं हम। जी, उनका बहुत बड़ा एहसान है कि उनके वजह से हम यहाँ आज खड़े हैं। खेसारी के फैन हो आप? फैन तो है ही है, वैसे तो सबका ही फैन है। अच्छा, आप बताइए जरा मुझे उनके बारे में, अपने बारे में। ठाकुर जी, ये राखी सिंदूर पिक्चर बन रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसमें संतोष बाबा है, रतन रहा है जी, और सब जन है इसमें काम कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा है पिक्चर, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश राजभर, मेरे भोजपुरी आदर्शी हो, मेरी फिल्म देखिएगा, पहली कर्मयुग है, दूसरी बनारसी पहलवान 20 तारीख को करने जा रहे हैं गोरखपुर, और तीसरी राखी सिंदूर करने जा रहे हैं, आज उद्घाटन है, 26 तारीख है आज, और बहुत बढ़िया स्टोरी लिखी है लिखने वाले ने, बहुत बढ़िया पारिवारिक पिक्चर है, आप देखेंगे तो हंसते हंसते ही रह जाएंगे। तो कॉमेडी सुना दीजिए। और कॉमेडी तो जब शूटिंग करने जाएंगे वहाँ पे दिखाएंगे। देखिए, बिल्ली को बिल्ला मांग रहा है, बिल्ली भाग रही है। आज रतन राहा जी की फिल्म राखी और सिंदूर जी, इसका मुहूर्त होने जा रहा है। बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, ये मेरे पहली फिल्म के डायरेक्टर हैं, कर्मयुग, जो कि अप्रैल में रिलीज़ होने जा रही है, और बहुत ही अच्छा बेहतरीन काम करते हैं। डेफिनेटली जो फिल्म बनेगी अच्छी ही बनेगी, क्योंकि वो बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके काम करने का ढंग जो है वो एक अनोखा है, जो आपको आम तौर पे देखने नहीं मिलेगा। तो आप लोग इनके साथ रहिए, फिल्म देखिए, उसका मज़ा उठाइए, और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है, इनकी सारी टीम के साथ है, आगे बढ़े और फिल्म बनाए, मिलते रहेंगे। थैंक यू। नीलू यादव, सब लोग को प्रणाम करती हूँ, भोजपुरी श्वेता को, और हमारे डायरेक्टर साहब रतन राजी कई सारी पिक्चरें बनाए हैं, हमने बनारसी पहलवान में भी काम किया है, सॉरी करूँगी, और इसमें भी करेंगे, हमारा रोल है, ये पिक्चर है राखी और सिंदूर। नमस्कार, मेरा नाम लीजा है। नमस्कार, मेरा नाम लीजा है, आप सभी को मेरा नमस्कार, और रतन राज जी की आने वाली फिल्म के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ में हम जरूर आगे काम करेंगे। थैंक यू। डिड यू एवर वर्क विथ हिम? आपने कभी काम किया? नहीं, ये मेरा पहला चांस है यहाँ इनके साथ में काम करने का, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि इन्होंने मुझे अपनी मूवी में काम करने के लायक समझा। Global Advertiser for Innovative Outdoor Solutions.